पार्टी को बस कन्विंस करना है कि उसके बीच एक ब्रोकर, अगर वो एक एक्स्ट्रा परसेंटेज दे देगा तो आई थिंक हम एक बड़ा डील ब्रेक कर लेंगे। मैं ना आज बस मैनेजर को कन्विंस करना है कि एक एक्स्ट्रा परसेंटेज से बैंक का बहुत बड़ा फायदा होगा, एंड आई होप कि ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, है ना? तो तू जल्दी से बैंक पहुंच। ओके सुजय, ब्रेकफास्ट रेडी है, मेक इट फास्ट। दो मिनट रुक नहीं सकते थे? कितना टाइम लगा मुझे? देखो मुझे बैंक जल्दी पहुंचना है, बड़े लोन का मैटर है। हाँ तो मेरा भी बड़े ऑर्डर का मैटर है। सीरियसली आहना, कितनी बार तुमसे कहा है ब्रेड को सेका करो, सेक सेक के उसका पकोड़ा मत बनाया करो। मुझे सिक्योरिटी ब्रेड पसंद। नहीं नहीं ठीक है, तो खाओ सिक्योरिटी ब्रेड। और याद रखना मुझे सिक्योरिटी ब्रेड पसंद नहीं। देखो इतनी प्रॉब्लम है ना, तो अपना ब्रेकफास्ट खुद बना लिया करो। अच्छा मतलब तुम नहीं सुधरोगे, मुझे तुम्हारे हिसाब से चलना होगा, लेकिन तुम मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कभी कैलकुलेट नहीं करोगी, यही ना? तुम्हारा कैलकुलेशन तो तुम बात ही मत करो। मतलब ब्रेड अगर कम सेक दो तो तुम बोलते हो कि क्यों तुम्हारे हाथ दुख रहे थे क्या अगर ज्यादा सेक देती तो, और अगर मैं ज्यादा सेक दूं तो ब्रेड का मैं पकौड़ा बना देती हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, तुम सिर्फ मेंटल टॉर्चर दे सकते हो, साइको हो तुम। व्हाट द फक बुलशिट, मेंटल टॉर्चर? मैं तुम्हें मेंटल टॉर्चर करता हूँ? लाइक सीरियसली मुझे रोज तुम्हारी चाशनी जैसी चाय पीनी पड़ती है, लेकिन मेंटल टॉर्चर तुम्हें होता है। रोज मुझे एक मोजा लेकर दूसरा मोजा ढूंढना पड़ता है घर में, भाई किधर है दूसरा मोजा किधर है, लेकिन मेंटल टॉर्चर तुम्हें होता है। रोज ही तुम्हारी जली हुई ब्रेड खा के पता नहीं, और तुम्हारे खाने में नमक होता है, नमक में खाना, हमें आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन मेंटल टॉर्चर तो तुम्हें होता है। और गलती से अगर मेरा कोई रिश्तेदार आ जाए तो तुम्हें माइग्रेन का अटैक आ जाता है, लेकिन अगर तुम्हारे घर से कोई आया और तुम बीमार हो तो तुम उनके साथ नागिन डांस करोगी, लेकिन मेंटली टॉर्चर तुम होती हो। दुनिया की तुम पहली ऐसी साइको हो जो अपने विक्टिम को साइको बुलाती है। बीट इट। अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो जाके कोई काम वाली के साथ रहो, मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? गलती हो गई ना, और उसी की तो कीमत चुकाने के लिए आज तक ये रिश्ता निभा रहा हूं ना। हाँ तो किसी डॉक्टर ने तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख के दिया है? गधे हो तुम गधे, जे रिश्ता निभा रहे हो। एक्चुअली ना मैं फेड अप हो चुकी हूँ तुमसे, रोज की एक चिक चिक से। अरे तुम रोज बस मेरा खून चूसते हो। जितना मैंने तुम्हें झेला है ना, उसका 1% भी अगर कोई झेल लेना तो मेरा नाम बदल देना। अरे वो तो वक्त बताएगा। तो जाओ, रुकी क्यों हो? तुम निकल जाओ अभी इस घर से, निकल जाओ। रुको मत, और हाँ एक्सपेक्ट मत करना कि जाते वक्त मैं तुम्हें रोकूंगा और बोलूंगा प्लीज आना, रुक जाओ, आई एम रियली वेरी सॉरी, जस्ट गो, गेट आउट। हाँ आज ये तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। जा रही हूं मैं। ओके बाय। मैं हमेशा के लिए जा रही हूं। हमेशा के लिए बाय। बाय द वे जो व्हीकल तुम लेके जा रही हो वो मैंने तुम्हें गिफ्ट किए, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो रख ही लो, और जो भी तुमने गिफ्ट दिए होंगे ना अगर गलती से मेरे पास आ जाए तो बता देना, तुम्हारे मुंह पे मारने आ जाऊंगी। ओके। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये कार मेरे डैड ने हमें वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी ना, तो ये तो मेरी हुई। ओके बाय। आना आना, मुझे मीटिंग में जाना, मैं लेट हो जाऊंगा। बाय। आना आना, मैं लेट हो जाऊंगा। जैसे को तैसा, आज अगर मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हुई ना तो वो भी अपनी मीटिंग के लिए लेट होगा। नाउ फेस योर बॉस।
फूल, लगता है आना से तेरा फिर से झगड़ा हो गया। मुझे बता, तू किसी डिवोर्स लॉयर को जानता है क्या? रिलैक्स, आना वापस आ जाएगी कुछ दिनों में। इस बार उसने जो किया है ना, अगर वो खुद चल के भी मेरे पास आती है ना, तो उसको घर में नहीं लेने वाला मैं। Are you serious तुझे? Yes, for the first time, ज़िंदगी में पहली बार serious हुआ। और इस बार तो लॉयर से मिलना ही पड़ेगा। जिस तरीके से ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है, उसी तरीके से मैरिज को चलाने की जिम्मेदारी वाइफ के साथ साथ हस्बैंड की भी उतनी ही होती है। इन मर्दों का हाथ ताली बजाने के लिए नहीं, हम औरतों पे तमाचा उठाने के लिए बजता है। पर सुजोई ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया। यही तो प्रॉब्लम है हम हिंदुस्तानी महिलाओं की। थोड़ा सा कुछ अपने पति के बारे में सुना नहीं कि तुरंत उसे डिफेंड करना शुरू। तुम बताओ, सुजय ने तुम्हें खड़े पे घर से चले जाने को कहा, तो क्या ये तुम्हारे मुंह पे तमाचा नहीं हुआ? वो खुद एक कप चाय की प्याली तक नहीं बना सकता, तुम्हारा ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का पोस्टमार्टम करता है। बताओ, तुम इसे प्यार कहोगी या तमाचा? इन तमाचों की वजह से ही तो मैं आज यहाँ आके बैठी हूँ। नाउ यू अंडरस्टैंड, हम औरतें कभी भी घर नहीं तोड़ती, ये मर्द हमें मजबूर करते हैं घर तोड़ने के लिए। और इल्जाम हम औरतों पे लगा दिया जाता है कि इसकी बहू या पत्नी की वजह से घर बर्बाद हो गया, घर टूट गया। अगर कभी कोई ये नहीं कहता कि वो मर्द खराब था जिसकी वजह से घर टूटा, तो क्या हम औरतें पराए घर को बर्बाद करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर एक पराए घर में आती है, फिर उस पराए घर को अपना बनाती है, फिर अपने ही घर को बर्बाद कर देती है? अहाना, क्या तुमने डिवोर्स लेने के लिए सुजय से शादी की थी? नहीं, मैंने तो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उससे शादी की, लेकिन अब वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे दूध में मक्खी गिरी हो। आंसू मत बहाओ अहाना, इन आंसुओं को मर्द हमारी कमजोरी समझते हैं, जबकि आंसू हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर की वो पीड़ा जो मर्दों से हमें मिली है। मिटा दो इस कमजोरी की निशानी को। अपने अंदर की नारी शक्ति को जगाओ आहना। ये लो, साइन करो ये डिवोर्स नोटिस पेपर। अब मर्दों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। Now we can talk about my fees. Oh, payment online कर देना, same number पे. Okay ma'am. The whole thing is that कि मर्द हमेशा अपनी बीवी से परेशान रहता है। अब शादी से पहले जैसे आप अपने माँ बाप भाई बहन इनके साथ हंसते खेलते हैं, बीवियों के आते ही आप इनके साथ दुश्मन हो जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? बीवी के आने से अब खुदा ने इनके दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसे की, वो खुद पर कुछ नहीं लेगी, लेकिन जैसे ही आपने कोई करेक्ट डिसीजन उसकी मर्जी के बिना लिया, तो आपको चैलेंज मिल जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हें जो करना है कर लो, ऐसा कुछ, एंड देन यू आर फिनिश्ड ब्रो, खत्म। करेक्ट जुल्फिकार भाई, इसी वजह से हमारे कुछ दिनों पहले झगड़े शुरू हुए थे। You are absolutely right. पता नहीं कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ती थी जो मैं भूल चुका हूँ, उनको निकाल निकाल कर झगड़े करती है वो। मतलब वो अपने दोस्तों से मिले तो सब ठीक, everything is good, और अगर गलती से मैं अपने दोस्तों से मिलूँ ना, तो भाई बवाल। Control freak सुजय ब्रो, control freak। अब आलम ये है कि अब मर्दों ने संसद में बैठ के महिलाओं के प्रति इतने कानून बना दिए हैं कि अबला नारी नहीं रही, अबला मर्द हो गया। अब आप देखिए ना, पति के आगे बेचारा लगाया जाता है, कभी आपने देखा है? बीवी के आगे बेचारा लगाओ, नहीं ना। The whole thing is that bro, कि जितनी जल्दी आप अपनी गलती को सुधार लेंगे, उतनी जल्दी आपके जीवन में अच्छे दिन बढ़ जाएंगे। ये मैंने वकालत के पेपर साइन कर लिए हैं, आपके डिवोर्स पेपर्स रेडी हैं, मैंने साइन कर दिए हैं, लेकिन आप चेकबुक अगर लाए हैं तो। हाँ हाँ जुल्फिकार भाई, मैं चेकबुक लाया हूँ। ये लीजिए, आप साइन कर दीजिए।
थैंक यू। आप बड़े भोले हैं सुजय ब्रो। वैसे एक बात कहूंगा आपसे, डिवोर्स की लड़ाई आसान नहीं होती। इस लड़ाई में आपके माँ बाप, रिश्तेदार सब आएंगे आपका पैचअप कराने के लिए। बट आई मस्ट वॉर्न यू, डोंट फॉल फॉर द ट्रैप, क्योंकि जुड़ते टूटते धागे हैं, रिश्ते नहीं। एंड द होल थिंग इज दैट ब्रो, डिवोर्स इज अ रेमेडी, डिवोर्स एक इलाज है, डिवोर्स का इलाज नहीं है। सामान लेने आई हो बेटा? नहीं, मुझे लगा सुजय से तेरा पैचअप हो गया है। माँ तुम भी ना, कम से कम सपने तो अच्छे देख लिया करो। अरे रुको बेटा, कुछ खाने को मंगा दे आपको, कुछ खा लो बेटा। सॉरी डैड, एक्चुअली मैं लॉयर के यहाँ से बहुत देर से आई तो मैंने रास्ते में कुछ खा लिया। अच्छा ठीक है बेटा, कौन सा लॉयर किया तुमने? फ्लाविया, टॉप की डिवोर्स लॉयर है। आज उसने मेरी आंखें खोल दी। नाउ आई नो व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। लेकिन बेटा ये तलाक का फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल मत लेना बेटा, ये तुम्हारी सारी जिंदगी का सवाल है, बहुत सोच समझ कर कदम उठाना। वैसे वो लड़का इतना बुरा नहीं है। डैड बुरी तो मैं हूँ। डैड अगर मेरा यहाँ आके रहना आपको बुरा लग रहा है ना, या आपको सच में भी कोई प्रॉब्लम है, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। यू कैन जस्ट टेल मी एंड आई विल फाइंड समवन अदर प्लेस। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा, ये तुम्हारा घर है बेटा, माँ बाप है हम तुम्हारे। यार माँ, आना के साथ तुम्हारी पहले दिन से नहीं पटती। जब भी यहाँ पे आती हो तुम, उसके साथ तू तू मैं तुम्हारे शुरू हो जाते हो, और तुम खुद मुझे कह रही हो कि उसके साथ सुलह कर लूँ, डिवोर्स ना दूँ, लाइक सीरियस। सुजय बेटा मैं आहना के सास हूँ, अब बहू सास की पसंद से आए या ना पसंद से, सास बहू में तो नोक झोंक होती ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तलाक ले ले। यार माँ अब है ना बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि एक दो दिन में मेरा वकील उसे नोटिस भेज देगा। अरे बेटा नोटिस ही तो है, कोई बंदूक की गोली थोड़े है कि वापस ना आए। अरे यार आप है ना, आप बाकी कुछ मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, क्योंकि क्या है ना, शादी करके मैंने प्यार नहीं लाया हूं, मैं गठरी लाया हूं, एक दर्द भरी गठरी। ये आवाज कैसी आ रही है सुजय, कुछ कर रहे हो क्या? मैं नाश्ता बनाने की कोशिश। अरे पगले क्यों बना रहा है? अरे तू रेस्टोरेंट में फोन कर, दो मिनट में इडली आ जाएगा। व्हाट एन आइडिया मां, अगर तुम बाकी की बकर बकर करते रहती हो, मतलब काम की चीजें पहले नहीं बोलती हो, बट एनीवे थैंक यू। चलो अभी मैं फोन काटता हूँ, बाद में बात करते हैं, ओके बाय। हे भगवान, मेरा बेटा बड़ा भोला है, क्या होगा इसका। चुका दूंगा ना आपका ईएमआई मैं। हाँ रुकिए एक मिनट, होल्ड कीजिए। या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अरे सुजय लो ईएमआई का काम हो गया। हाँ सुजय ब्रो। भाई तलाक की नोटिस हम भेजने वाले थे, मुझे तलाक की नोटिस आई है। ना जुल्फिकार, अरे कैसे वकील हो यार, सुबह सुबह नाक कटा दी अपने क्लाइंट, अब आना पूरे दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि उसने मुझे तलाक दिया है, मैंने उसे नहीं। अरे इसलिए तो मैंने नोटिस नहीं भेजा सुजय ब्रो। अरे अरे अब हम कोर्ट में ये साबित करेंगे कि आहाना कितनी लड़ाकी है, देखना उसकी कितनी भद्द पिटेगी। अरे विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे ना हम। अरे इट्स रिवेंज टाइम सुजय ब्रो, रिवेंज। तो साइन कर दो। हाँ हाँ, नेक काम में देरी क्यों, करो साइन। हाँ ओके। मेरे नोटिस से पहले तुम्हारा नोटिस चला गया, भड़क रहा था सुजय। जुल्फिकार बच्चे हैं दोनों, अकलदार निकली नहीं और शादी कर ली,
बस यही प्रॉब्लम है इनके रिलेशनशिप में, वैसे कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। That's the point, Flavia. दोनों इमेच्योर हैं, पैसा भी है, खर्च कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ खींचते हैं केस को और लंबा कर। अबे ये क्या कर रहे हो? The whole thing is that कि पैसा आता रहना चाहिए, वरना हमारे घर में डिवोर्स हो जाएगा। नहीं हाँ, ये बात तो तुमने सही बोली जुल्फिकार। वैसे केस ना बहुत सिंपल है इन दोनों का, हम दोनों को मिलके कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने होंगे, क्योंकि जितने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे हमारे चेक भी तो उतने ही बढ़ेंगे, राइट? डन। हाँ, चाय का बिल तुम दोगी, समझी? हाँ हाँ, खाओ खाओ। आप दोनों तलाक चाहते हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डिवोर्स मेरी क्लाइंट अहाना ने फाइल किया है, डिवोर्स मेरी क्लाइंट को चाहिए, क्योंकि सुजय ने उसकी जिंदगी नरक बना दी है, जहां कोई भी स्वाभिमानी स्त्री अपने मन से नहीं रहना चाहेगी। माय लॉर्ड, इससे साफ जाहिर होता है कि अहाना एक लड़ाकू किस्म की बीवी है, जो ना तो खुद खुश रह सकती है और ना दूसरों को खुश रहने देती है। On the other hand, मेरा क्लाइंट सुजय एक पारिवारिक किस्म का इंसान है, जो सबके सुख की कामना करते हुए जीता है और दूसरों को जीने देता है। दरअसल उसे एक साइको बीवी मिली है, जो उसे मेंटल टॉर्चर करती थी, लेकिन फिर भी मेरे क्लाइंट सुजय ने अपनी शादी को बचाने के चक्कर में पहले डिवोर्स फाइल नहीं किया। My Lord, मेरी क्लाइंट को साइको कहकर पूरी नारी जाति का अपमान किया जा रहा है। जुल्फिकार, ये साइको जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। माफी चाहता हूँ माय लॉर्ड। सुजय, ये अच्छी बात है आप रिश्तों को निभाना चाहते हैं, तो कोर्ट ये मान ले कि आप तलाक नहीं चाहते। माय लॉर्ड, जब फूल कागज के हो जाएं तो वो खुशबू नहीं देते। एंड द होल थिंग इज दैट माय लॉर्ड, कि अब मेरा क्लाइंट सुजय डिवोर्स चाहता है। आना, तो क्या आपने डिवोर्स का मन बदल लिया? जी। माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट आहाना ने सुजय से शादी इसलिए नहीं की थी, मिस्टर सुजय ने आहाना की जिंदगी नरक बना दी, उसके मेल ईगो ने आहाना को अपनी पैर की जूती बनाकर रखा है। माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मैं भी कुछ बोल लूं? आना, सुजय ने ऐसे क्या हालात पैदा कर दिए जो आपको मजबूर होना पड़ा? माय लॉर्ड, आहाना एक सुंदर जीवन की कल्पना किए सुजय के घर ब्याह कराई, एक आदर्श डिवोशनल भारतीय नारी की तरह उसने सुजय का घर संभाला, एक मॉडर्न नारी बनकर उसने सुजय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नौकरी भी की, मगर हालात तो तब बिगड़ गए जब आहाना का प्रमोशन हो गया और सुजय को जॉब बदलकर एक छोटी पोस्ट पर काम करना पड़ा। बस माय लॉर्ड, तभी से सुजय का मेल ईगो इतना हर्ट हो गया, हर छोटी बात पर वो आहाना को ताना मारने लगा। आहाना के सुंदर सपने एक मेंटल टॉर्चर बनकर रह गए। बस जज साहब, बहुत हो गया, अब आहाना शांति से एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते। सुजय कहिए। माय लॉर्ड, कहां अपनों से जाता है माय लॉर्ड, परायों से नहीं। अब जहां अपने ही पराये हो जाएं तो एक इंसान क्या करे। सच बात तो यह है कि सुजय को प्रमोशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसकी पिछली कंपनी उसे एक नई सिटी में ट्रांसफर कर रही थी, जहां आहाना के बैंक ने उसे ट्रांसफर करने से मना कर दिया। लेकिन मेरे क्लाइंट सुजय ने कुर्बानी देते हुए जॉब चेंज किया ताकि वो आहाना के साथ रह सके। इतिहास गवाह है माय लॉर्ड।
बलिदान देने वालों को या तो सूली पर चढ़ा दिया जाता है या उन्हें जंग के मैदान में मार दिया जाता है। मेरे क्लाइंट सूजे के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसे घर में ही मार दिया गया। और जिस घर में बलिदान की कीमत ना हो उस धागे को तोड़ देना ही बेहतर है माय लॉर्ड। इसलिए मेरा क्लाइंट सूजे अब डिवोर्स चाहता है। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही, सवाल मैं इन दोनों से करता हूँ, उसके चिकने चुपड़े जवाब आप दोनों देते हैं। ये दोनों क्या घूंघे बहरे हैं? माय लॉर्ड, हमारे क्लाइंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना हम वकीलों का अधिकार है। यस माय लॉर्ड। ओके ओके ओके। सुजा याहना, आप दोनों मेरे प्राइवेट चैम्बर में आइए और वहां ये दोनों मुझे नहीं चाहिए। सर लेकिन दिस इज माय ऑर्डर।